आज का लाइफ कुछ स्पेशल, अपने राजस्थानी भाइयों के लिए स्पेशल, तो जुड़ने दो, बाद में बताऊंगा। जय श्री राम। बी कुमार जी, आज का लाइव है गोवा के लिए और ये टेक खाली गोवा वाले के लिए करा मैंने। गोवा में बढ़ता अत्याचार राजस्थानियों के ऊपर, मनोज परब बाबा तुका संगता आइक। मैं कोंकणी भी बोलूंगा, हिंदी भी बोलूंगा, बिकॉज आई कैन स्पीक कोंकणी आल्सो, हिंदी आल्सो। तो मनोज परब आइक, तू कोणा किरा म्हणता रे? राजस्थानी घाटी म्हणता मनोज परब। तू राजस्थानियों को क्या बोलता है? तू भिखारी बोलता है राजस्थानियों को? तेरे को पता राजस्थानी कौन है? हैं? हेलो, तुम क्यों गोवा को अलग कर रहा है? हेलो, हैं? उज्जो पेट्टा, उज्जो पेट्टा, किरे उज्जो पेट्टा रे बाबा, किरे उज्जो उज्जो किरे पेट्टा रे? हैं? तुम बोल रहे हो कि हम आग लगाएंगे गोवा में? क्या गोवा हिंदुस्तान से अलग है? तुम लोग गरीब आदमियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, गरीब आदमियों को मार रहा है, राजस्थानी को मार रहा है। थोड़ा बहुत शर्म है? आज गोवा में राजस्थानी है, हर जगह राजस्थान में गोवा, राजस्थान में गोवा वाला है। क्या हमने कभी उनको मारा जो तुम छोटे छोटे मजदूर आदमियों को मार रहे है? है? साला गरीब आदमियों को मारता, तुम लोग शर्म आना मांगता? तुम्हारे को डेरिंग है? अगर डेरिंग है तो बाबा आई डेरिंग असा उज्जो पेटो पाक जाए, भाटकरांग को और मरे की रेकोर पाक जाए चले है। जितना भी सेठ आदमी उसको मार मरे, तू देर में हिम्मत है तो सेठ आदमी को मारने, तू क्या गरीब आदमी को मारता राजस्थानियों को? कल मैंने तेरा देखा गन्ने वाले जूस वाले को तू फाइन भरा रहा है। तू क्या साले गोवा का सीएम है? है या गोवा राजस्थान से इंडिया से अलग है? तू जो बोलता है कि गोवा गोवा हम भाई लो भाई लो मुंटा मुंटा है, क्या भाई क्या बार वाला बात करता तू गोवा में? गरीब आदमी गोवा में अगर कमा रहा है तो तेरा क्या जा रहा है? आज तुम गोवा वाला भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में घुमा हुआ है, तो तुम लोग क्या भीख मांग रहे हो उधर जाके गोवा वाला? हैं? तुमको शर्म आना मांगता थोड़ा बहुत? अरे गरीब आदमी का वीडियो देखा मेरे को, जब गुस्सा है तेरे पर मनोज पर अब तू का संगता है एक मजी है। तुम गरीब आदमी को मारता है, वो राजस्थानी वाला बेचारा गन्ने का जूस निकाल रहा है उसके ऊपर फाइन मार रहा है, उसका धंधा बंद करा रहा है। साले तुम लोग का अगर इधर राजस्थान में धंधा बंद कराएगा जब क्या होगा रे? हैं? बड़ी दादागिरी आई? तुम साले गोवा में बैठ के कहता हूँ तुम ही भाईले भाईले मुंटा मुंडा है क्या बाहर वाला? क्या वी आर इंडियन फर्स्ट, लिसन टू मी मनोज परब, वी आर इंडियन फर्स्ट, हम हिंदुस्तानी है पहले। क्या गोवा को बाहर से कर रहा है तू? कश्मीरी है क्या रे? अला साला कश्मीर भी हिंदुस्तान में, अभी ध्यान रखना कश्मीर में भी दुकान कर सकता, तो कौन नहीं कर सकता गोवा में बिजनेस? तेरे में डेरिंग है तो वो दिल्ली का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांध के बैठा, बिल्डिंग बड़ा बड़ा होटल बांध के बैठा, उसको कर मरे कुछ है? छोटे छोटे आदमी को, गरीब आदमियों को जो सब्जी बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, गन्ने का जूस निकाल रहा, उसको मार रहा तू है? शर्म आना मांगता तेरे को? थोड़ा सा शर्म आना मांगता है? गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहा है? उज्जो पेट्टा, उज्जो पेट्टा, उज्जो पेट्टा उल्टा की रहे तुझे आइक तो लो कि आया नहीं गिरे है कि उज्जो पेट्टा लो रे? कोणांग उज्जो पेट्टो ले रे? तू इंडिया में उज्जो पेट्टा तो लो है? साले इंडिया में आग लगाएगा तू? इंडिया क्या गोवा से बाहर है क्या? जो कहता तुम बाहर वाला है, क्या बाहर वाला है? हैं? गरीब आदमियों को मार रहा है तुम लोग? साला राजस्थान में भी कुछ गोवा वाला है, अगर अब क्या कुछ करा राजस्थानी के ऊपर? आए मनोज परब, राजस्थानी के ऊपर कुछ करा? राजस्थान में गोवा वाला है, चुन चुन के मार के भगाएगा साले को। और अगर टूरिज्म गोवा में बंद हुआ ने, तुम लोग साला मच्छी चावल खाता ने वो भी नहीं मिलेगा। साला शर्म आना मांगता? छोटे छोटे गरीब आदमियों को मार रहा तुम लोग?
वो बीवी बच्चे लेके राजे गोवा में आज कम से कम 20 साल से रहता है, 20 साल से वह 20 साल से रह रहा है, उसको तुम कहता तुम्हारे पास परमिशन है? क्यों भाई, ये फॉरेन कंट्री क्या गोवा? गोवा कोई फॉरेन कंट्री क्या जो तुम उसको परमिशन मांग रहा राजस्थानी से बिजनेस करने को? और राजस्थानी को तुम घाटी बोलता है? घाटी मतलब क्या होता रे? तुम राजस्थानी को घाटी बोल रहा है? घाटी मतलब मैं राजस्थानी को आपको एक आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, घाटी मतलब होता भिखारी। तो मनोज परा का मुठा भिखारी है राजस्थानी? क्या घाटी है साल? राजस्थान में आ मरे तू, कभी राजस्थान में आके देखा राजस्थानी कैसा है? अतिथि देवो भवो, वी आर इंडियन फर्स्ट। इंडियन क्या कहता? अतिथि देवो भवो। साले तुम लोग गोवा में रह के हम राजस्थानी को मार रहा है, गुजराती को मार रहा है, कन्नड़ को मांग रहा है। अगर अगर घाटी तुम्हारा कन्नड़ लोग नहीं रहेगा तो क्या कहां से तुम लोग खाएगा रहे? कहां से मकान बनेगा? साला शर्म आना चाहिए उस गरीब आदमी को। तुम लोग उसका धंधा बंद करा रहा है गोवा में, मार रहा है। एक वो शॉपकार बेचारा जो बुक्स वगैरह की दुकान लेके बेटा, उसको उधर जाके तुम लोग उसका बिजनेस बंद कराता है, है? जा क्या साला आज गोवा राजस्थान में कितना गोवा वाला बेटा, हमने कभी उनके ऊपर हाथ उठाया? छोटे छोटे गरीब आदमी को मार रहे हैं, मार के वीडियो बनाता उनका और बोलता उजो पेटेता उजो पेटेता, मतलब आग लगाएगा? क्या आग लगाएगा रे तू? है कभी राजस्थान आ तू, कभी गोवा से बाहर घुमा तू? साले मैं 12 साल रहा गोवा में, फिर भी वहां बिजनेस करके आया, वो दादागिरी से करके आया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, और आज भी आता हूँ वहां। साला बात करता है दादागिरी की तुम लोग, है राजस्थानी को मार रहा वहां पर? साला शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गरीब आदमी को। अरे हिम्मत है, डेरिंग है, तेरे में डेरिंग है मनोज पर भाई। माजी तुका डेरिंग ऐसा मारा है, डेरिंग ऐसा चला यार आई भाटकार ऐसा तो है मरे, दहली का टंका फोड़ू था कहीं मरे है। जो जितना भी सेठ आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी, उसके ऊपर हाथ लुगाट गया था तेरे में हिम्मत है तो, गरीब आदमियों को क्या मारता था तू? है साला छोटा छोटा गरीब आदमी है। आज गोवा इतना सा है, क्यों चल रहा गोवा टूरिज्म के पीछे? क्यों चल रहा है गोवा राजस्थानी के पीछे? क्यों गोवा चल रहा है गुजराती के पीछे? क्यों गोवा चल रहा है? वी आर इंडियन फर्स्ट यार बाबा, हम पहले हिंदुस्तानी है। तुम लोग साला देश को बांटने में लग गया, तुम जैसा जानवर आदमी है, तुम मतलब कि देश को खत्म करना चाहते कि हम तुम लोग हम हमारी गोवा में क्यों आता रहे हैं? क्या गोवा अलग है इंडियन से? इंडिया से अलग है गोवा तो बोल है? साला 10 आदमी लेके घूमता है, हिम्मत है अकेले घूमने का तेरा गोवा में? साला कोई भी उड़ा के जाएगा रे तेरे को है? साल राजस्थानी के ऊपर ज्यादा की दिखाता है? अगर राजस्थानियों ने ठान लिया ना भाई आए मत बांट देश को, अगर जिस दिन राजस्थानी की बुद्धि घूम गई ना उस दिन घाटी नहीं, तेरे को घाटी बना के भेजेगा हम लोग। और तेरे साथ वो चेतन चेतन घूमता है तो मुंटा घाटी घाटी तेंका विचार मरा, तेजी बाइल खो चली ऐसा सांग में विचारू विचार मरा तेंका है। साला बाहर की उसकी वाइफ भी, वो भी घाटी हुई, फिर वो भी घाटी हुआ है। तुम लोग बाहर वालों को सबको घाटी, और तुम लोग गोवा ले तुम मतलब कि अलग आदमी हो गए, दादागिरी ज्यादा आई है रे तेरे को। साला कल इतना दर्द हुआ मेरे को, गन्ने वाले को मार रहा मतलब कि तुम मार के उसके साथ वीडियो बनाता है, उसका बिजनेस बंद करा रहा, उसके दो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कमाने को आया 20 साल से गोवा में रह रहा है और तुम लोग उसको मार रहे हैं है? क्यों तेरा गोवा रे है? वो कॉपी बुक्स वगैरह की स्टॉल थी माफसा में है, उसको तुमने सीज करा दिया, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। साला आज गोवा में गोवा वाला कितना राजस्थान में बैठा है, कितना हिंदुस्तान में हर कोने में बैठा है, बोल्ड में बैठा है, तुम लोग क्या घाटी हुआ है? तुम राजस्थान में आके हमारा तुम लोग घाटी रहे? साला शर्म कर मनोज परब आई, डेरिंग ऐसा जा रहा है मरे, यो हंगाइयो दाखाईता तुका कौन हमारे इंगाइयो रे दाखाईता, और राजस्थानी ऐकला आऊ राजस्थानी आनी के त्रास केला मरे आय आनी कोणाक त्रास केला मरे तुका त्रास पडटलो खरंच सांगता केन्ना केन्ना आयक उलोवपाक जायना हांगा फोन मार मागीर दाखयता तुका। भाईयो मैं आप सभी से भाईयो से विनती करना चाहूंगा, आज गोवा जो हमारा इंडिया का हिस्सा है वहां पर हकीकत में राजस्थानी गुजराती कर्नाटका हर भाइयों के साथ गरीब आदमी जो भी वहां जाके बैठ बसा है 20-20 25 साल से रह रहा है उनको इतना 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 टॉर्चर कर रहा है ये मनोज परब जो ये है साला जानवर आदमी, मुंह पर बोलता जानवर।
जो गरीबों को मारता पहले, उसके बाद उसका वीडियो बनाता, मैंने मेरे वॉल पर शेयर करी, उसका वीडियो देखना। छोटे छोटे गरीब आदमी को मार रहा है यार वो जाके, है जो गरीब आदमी जो रोटी वहां कमाने को आया, जो बाल बच्चे पाल रहा है कैसे ना कैसे, उनको मार मार के उनके ऊपर दादागिरी कर रहा है साला। उसकी शर्मनियारी कह रहा है हमारे गोवा में आके तुम लोग बिजनेस करता, गोवा क्या इंडिया से अलग है क्या है साला? हम लोग तो, हम इंडियन, वी आर इंडियंस है, वी आर सेइंग अतिथि देवो भवो है। और ये साला इंडिया को कश्मीर बनाने की सोच रहा, जहां बहन जो मतलब सॉरी वहाँ मतलब कि जो कि बाहर वाला धंधा नहीं कर सकता। अगर आज की तारीख में अगर गोवा में टूरिज्म खत्म हो गया तो गोवा कुछ नहीं है, नथिंग। हम लोग गोवा को कमा के दे रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस मनोज परब का खंडन करो और एक होके जो अपने भाई राजस्थानी, अपने जितने भी भाई राजस्थानी गोवा में बैठे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाओ। और राजस्थान सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा, अशोक गहलोत से सरकार, श्रीमान अशोक गहलोत से अपील करना चाहूंगा, जितने भी राजस्थानी के ऊपर वहां अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाइए। वहां पर हकीकत में गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जितने भी गरीब परिवार है, जितने भी गरीब राजस्थानी है, जितने भी गुजराती, जितने भी गुजराती है, जितने भी गरीब आदमी है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होना चालू हो गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। शेयर करने का एक मकसद है, मैं मेरे लिए फेमस होना नहीं चाहता, जो अत्याचार होना है उसको बताना है, हम भी राजस्थानी है, कम नहीं है भैया। आए मनोज परब तुका जोर आसा ये आयो दाखयता, राजस्थानी हो मरे दाखयता, कळ मरे एंका ऐकपाक जायना तुका सांगता, चॅलेंज ओपन चॅलेंज मनोज परब तुका ओपन चॅलेंज हांव कोता, राजस्थानी हो दाखयता तुका, तू दिल्ली मुद्दम दिल्ली हो रे तुका दाखयता हूं हैं साले, राजस्थान कभी दिल्ली आ तेरे को बताएगा मनोज परब कौन है तू? साले घर में ही दादागिरी कर सकता है, चैलेंज अब मत करना कभी राजस्थानियों के साथ दादागिरी वहां, नहीं तो यहां गोवा जितना भी गोवा वाला है उसके खिलाफ आवाज हम लोग उठाएगा। जितना भी गोवा वाला यहां बैठा है 20-20 साल से, उनके खिलाफ अगर हमने आवाज उठाई ना तो तेरे दिक्कत होगी। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं भारत को बांटना नहीं चाहता, दर्द हुआ इसलिए लाइव आया, भाई के लिए आया। 20 साल से वो बेचारा गन्ने का जूस बेच रहा है गोवा में, गन्ने का जूस बेच रहा है 20 साल से, उसके बच्चे हैं जो छोटे छोटे, उसको कहता है कि लाइसेंस दिखा। अरे क्या लाइसेंस दिखा, हम इंडियन है, हमारे को इंडिया में बेचने के लिए लाइसेंस दिखा है? साला इंडिया में बेचने के लिए इंडियन को लाइसेंस दिखाना पड़ेगा? डेयरिंग है तू रास्ता है, तेरे को हम देते बिजनेस करने को। साले आज मेर कभी जयपुर आ, तेरे को हम देंगे दुकान वगैरह सब कुछ फ्री, कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा तेरे से, आके कमा इधर। तू कहां वो करता, तू भी मेरे को जानता साले मनोज परब, याद कर एक्टिवा पर तेरी मेरी हुई थी कुछ दिन, चैलेंज मार रहा हूं, अब मत करना कभी गरीबों के साथ, तेरे को करना ना, मैं नहीं कह रहा तू गलत कर रहा है। बड़े सेठ लोग हैं जो हकीकत में 400 BC करते हैं गोवा में, उनके ऊपर करने क्यों गरीब आदमी को मारता है, छोटे छोटे आदमी को, मजदूर आदमी को? भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पूर्ण निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आज की तारीख में गोवा में जो इतना अत्याचार हो रहा है गरीबों के ऊपर, इतना अत्याचार हो रहा है राजस्थानियों के ऊपर, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा मेरे वॉल पर, आप चेक करना, वहां छोटे छोटे गरीब आदमी अपने राजस्थानी जो कमाने 20 साल 25 साल से रह रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बुरा अत्याचार कर रहा है मनोज परब, जब रोड पर बेचारे आज 20-50 रुपए कमाते दिन के, अपना घर बार बांट के अपने माँ बाप से इतना दूर होके कमाने को गए, उनको इतनी अत्याचार कर रहा है ये आदमी, उनको इतना मार रहा है, मार के वीडियो बनाता है, साले को शर्म नहीं आती कि गरीबों को मारने का मतलब क्या है भाई? गरीबों के ऊपर हाथ क्या उठा रहा, तेरे में डेयरिंग है, तेरे में पावर है, हैं? उज्जो पेटेता उज्जो पेटेता मंटा तो उज्जो पेटा पाक डेयरिंग आसा जाले बाबा, आए कलंगूट बस बागा बस तो भाटकार आसा देलीकार आसा तिंका फक्त मरे हाथ लागून दाखय मरे हैं? हाथ लगा के होता जितना भी बाहर वाला कैसीनो वाला बेटा उसको बंद करा के होता, तेरे को चैलेंज मारता हूं हैं? साले उधर तेरे जैसे को 5660 को पता नहीं लगेगा कहां डाल के गया वो लोग है, 20 आदमी लेके है साला, गरीब आदमियों को मार रहा तुम लोग गोवा में, थोड़ा बहुत शर्म नहीं तुम्हारे को बिल्कुल भी गोवा ले है? साला गोवा में इतना नाइस आदमी है, 12 साल मेरा लाइफ का बिताया गोवा में, 12 साल
ऐसा मेरा बचपन मेरा भाई जैसा भाई है वहां भी है, वो लोग तेरे अगेंस्ट से रहे, वो लोग बेलता है फोटिंग मारे मनोज तो मुंटा मारे फोटिंग आई ते किरे मुंटा मागा मनोज पर फोटिंग तो फक्त मारे जोड़ पा गिलो मतलब की मेके मनी ओनली यू नीड मनी ब्लडी बुलशिट आई मनोज यू आर वर्किंग फॉर मनी यू आर नॉट वर्किंग फॉर पीपुल यू आर नॉट वर्किंग फॉर इंडिया यू आर नॉट वर्किंग फॉर गोवा यू आर वर्किंग फॉर गोवा मनी ओनली साले पैसे के लिए काम कर रहा है तू किसी पार्टी के लिए है जब भी गरीबों को मार रहा है वो जिस दिन उन घाटी जो जिसको तू बंजारा बंजारा बोल रहा है ना वो घाटी जितना लमानी लोग साला लमानी लोग लेके गए ना तेरे को पता नहीं लगेगा कहाँ ले जाएगा बच के रहे और कभी राजस्थान में भूल के भी मेरे सामने मत आना साला उल्टा करके मारेगा तेरे को मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया मैं जानता हूँ उस दुकानदार को मेरे घर के पास था मापसा में जिसका बुक स्टॉल तुमने बंद कराया गरीब आदमी बेचारा है 30 साल के जो गोवा में रह रहा तुमने उसका दुकान बंद करा दिया तुम्हारा गोवा है GST वगैरह नहीं है वो नहीं है उसके ऊपर नंबर नहीं लेगा क्या नहीं है रे है तू साले प्राइम मिनिस्टर हुआ इंडिया का तू CM है गोवा का या तू डॉन है गोवा का जो गरीब आदमी के ऊपर आधू टाटा देगा रे मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा भाइयों आज कल अपन भी गोवा जाएंगे और वहां पर ऐसा 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 बदतमीज आदमी जो गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहा है मैं आपको और कह रहा हूँ मेरे वॉल पर लिंक शेयर करा मैंने देखना गन्ने वाला बेचारा गरीब आदमी जिसको मैं काफी साल से जानता हूँ उसको धंधा बंद कर दिया उसके दो छोटे बच्चे हैं यार है साले इसके पेट पर लात मारे दो कहता लाइसेंस नहीं है भाई लो मतलब कि तुम बाहर का गोवा में क्या करता है अरे बाहर के पीछे गोवा चल रहा है, इंडिया से बाहर है गोवा भाइयों फिर निवेदन करना चाहूंगा इसको अधिक से अधिक शेयर करो उस मनोज पर आए माजी आए परत आई कि मनोज डेरिंग असा यू आर राजस्थान तू का आवई शपथ मुंटा आऊं दाखयता यो गोया यहाँ यो रे अजमेरी हो राजस्थानी हो तू का दाखयता कौन आऊं पर हमारे राजस्थानी के ऊपर अत्याचार बंद कर दे गोवा में गरीबों के ऊपर अत्याचार बंद कर दे नहीं तो कहीं भी मिला ना तू जय श्री राम।